काटन तहसील की ग्राम पंचायत मूर्ति के ग्राम पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर, सुनीता राजू भोयर, प्रफुल्ल धरपुरे, बंधु जी खौसे, रामचंद्र डोंगरे, मधुकर चौधरी, प्रशांत धरपुरे, प्रेम कुमार गाखरे, वासुदेव खौसे, पंधारी खौसे, ग्राम पंचायत सदस्य छगन डोंगर ने पानी टंकी पर जाकर निरीक्षण किया और टैंकों को गंदा पाया। साथ ही ये भी देखा कि नलों के वाल्व लीक होने के कारण पानी भी बर्बाद हो रहा है। पूरे गांव में जाने वाला पानी प्रदूषित है, कई गंभीर बीमारियां गांव में फैलने की आशंका है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के सफाई व्यवस्था पर ग्रामीणों ने कई प्रश्न उठाए। ग्रामीणों ने बताया कि पीने के पानी की टंकी को नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करने के कारण पानी की टंकियों में गंदा पानी रहता है। पशुओं के पानी के पौधों को नियमित रूप से सफाई करना चाहिए। जहां पानी की नालियां और पाइपलाइनें टूटी हों, उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। साथ ही ये भी कहा, कपाट का वो स्थान जहां घास तथा अन्य जलीय जंतु पाए जाते हैं, स्वच्छ होना चाहिए। तमाम ग्रामीण ऐसी मांग कर रहे हैं।